नाटियों से आयोजित की गई है और हमारा दूरदर्शन केंद्र आज बहुत ही प्रसन्न है कि हमारे बीच जाने माने बिहार राज्य के वरिष्ठ साहित्यकार कवि श्री रंजन सूरी देव पधारे हैं। हम एक बार करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। साथ ही बिहार राज्य की जानी मानी कवित्री साहित्यकार डॉक्टर शांति जैन भी आज हमारे बीच उपस्थित हैं। हम उनका भी अपने दूरदर्शन परिवार की ओर से हमारे बीच हमारे केंद्र के केंद्राध्यक्ष माननीय श्री ध्रुव कुमार सर उपस्थित हैं। सर आपको भी सादर प्रणाम करता हूँ। हमारे अभियांत्रिकी विभाग के वरिष्ठ पदाधिकारी उप निदेशक हमारे बड़े भाई को भी हमारे सर सर भी हमारे न्यूज़ तो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है हमारे दूरदर्शन का। उसके महत्वपूर्ण अधिकारी नारी शक्ति हमारे भी श्वेता जी उपलब्ध हैं उप निदेशक समाचार और साथ ही हमारे जो पूरे वर्ष ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में काम करने वाले जो हमारे सहकर्मी हैं उन लोगों का भी हम स्वागत करते हैं। अपने हमारे वीडियो सर हमारे बड़ा बाबू सब लोगों का हृदय से स्वागत करते हैं। और कार्यक्रम की शुरुआत जो है जो अंधकार से प्रकाश की ओर जो हमें ले चलती है जिस तरह से वो उस परंपरा के निर्वहन हेतु हम अपने सभी आगंतुक अतिथियों से और साथ ही साथ जो केंद्र के हमारे अध्यक्ष महोदय हैं उनसे निवेदन करूंगा कि जो दीप प्रज्वलन की परंपरा है उसके निर्वहन हेतु कृपया हम लोग आ जाएं और करतल ध्वनि से हिंदी पखवाड़ा का आज भजन समारोह है उसके दीप प्रज्वलन में शरीक माचिस ने बेटा बोला पंखा बंद करना चाहता है। बंद हो गया बंद हो गया। जोरदार सभी अधिकारी कर्मचारी कार्यक्रम की जो परंपरा है जो हमारी संस्था है दूरदर्शन हम हिंदी भाषा भाषी ही नहीं बल्कि जितने भी वरिष्ठ हो चाहे वो कनिये हो सबका सम्मान हम करते हैं। तुलसी का पत्ता चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो हमारे लिए तुलसी ही है। उस परंपरा के निर्वहन हेतु हम माननीय केंद्राध्यक्ष श्री ध्रुव कुमार सर से निवेदन करूंगा कि परंपरा अनुसार एक अंग वस्त्रम और पुष्प गुच्छ